नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के घर के बारे में कल्पना यही होती है कि बेहद आलीशान घर होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का अमरोहा जिले के सहसपुर गाँव का पैतृक घर इसके बिल्कुल उलट है। नई दिल्ली अमरोहा, भारतीय क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी के घर के बारे में कल्पना यही होती है कि बेहद आलीशान घर होगा, लेकिन मोहम्मद शमी का अमरोहा जिले के सहसपुर गांव का पैतृक घर इसके बिल्कुल उलट है। बेहद साधारण सा घरौंदा है शमी के परिवार का। करोड़पति इंटरनेशनल क्रिकेटर महज चार कमरों के साधारण से घर पर ही आकर रुकता है। शमी का घर महज चार कमरों का पुराना मकान भर है। वही पुराने दरवाजे, वही पुरानी दीवारें, न कोई एसी, न कोई सुख सुविधा, पुरानी सी वॉशिंग मशीन, पुरानी गाँव वाली खाटे, चारपाई, ऐसा है शमी का घर। लेकिन इस घर का एक दूसरा हिस्सा भी है जो एक अलग कहानी बयां करता है। दरअसल ये वो हिस्सा है जहां हसीन के लिए एक अलग कमरा बनवाया गया है। इस कमरे में किंग साइज बेड, एसी, 52 इंच एलईडी टीवी, सोफा आदि से लेकर किसी भी 3 स्टार या 5 स्टार वाली तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। इस कमरे में जाकर स्टार फील आता है। इस घर के अंदर की तस्वीर से ये साफ जाहिर होता है कि शमी ने अपनी पत्नी हसीन जहां के लिए अमरोहा के अपने घर में ही एक अलग दुनिया बसा रखी थी। खुद शमी के करीबी रिश्तेदारों ने भी इस बारे में बताया कि किस तरह से शमी ने हसीन के लिए घर के अंदर ही तमाम आलीशान सुख सुविधाएं बनवाई थी। हालांकि इस पूरे विवाद से शमी के घर में बेहद निराशा का माहौल है और उनके घर में दुआओं का सिलसिला भी चल रहा है। शमी के रिश्तेदार अब यही दुआ कर रहे हैं कि एक बार फिर से उनके घर की खुशियां लौट आएं और शमी हसीन फिर से एक हो जाएं।